नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया के बारे में। हालांकि आप सबको पता है, जो सऊदी जाना चाहते हैं काफ़ी समय से इंडिया में जो फंस के बैठे हैं, जो बार बार सोचते हैं, रात को 12 बजे भी याद आता है सऊदी की फ़्लाइटें कब ओपन होगी, तो उनके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि भाई सऊदी की फ़्लाइटें, हालांकि न्यूज़ आपको पता लग गई होगी, हम एक दो दिन लेट चल रहे हैं, मंगलवार से फ़्लाइटों की अपडेट आई थी सऊदी का गवर्नमेंट की तरफ से। जी हालांकि हमने पिछले एक दो बार वीडियो बनाए थे, उसमें ये बोला था कि भाई कोशिशें जारी हैं, अंदरूनी मीटिंग स्टार्ट है और सऊदी सरकार भी चाहती है कि हम फ़्लाइटें ओपन कर दें, क्योंकि कब तक इसको लेके बैठे रहेंगे। ये तो तय है कि ये कोरोना पूरा जड़ से ख़त्म होने में साल भर लग जाएगा आराम से। इस बात को आप यहाँ बिठा ले दिमाग में कि पूरा जब तक ये पता लगेगा उस देश में जीरो, आज के दिन में एक भी नहीं आया पॉजिटिव, तो ये उसमें साल भर लगेगा। अब इंडिया की बात कर लें, किसी भी देश की, जिन देशों में आज से 6 महीने पहले भी 1500 केस आ रहे थे, उसमें भी आज भी लगभग इतने ही आ रहे हैं, तो इतना आसान नहीं है। हालांकि मंगलवार को सऊदी गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया था कि हम जिनके साथ में रेड लिस्ट में जिन देशों को डाला हुआ था, उन देशों की फ़्लाइटों को हम ओपन करने जा रहे हैं। आगे हम बात करेंगे कि भाई आप कैसे जा सकते हैं, कौन कौन लोग जा सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहेगी, फ़्लाइट से रिलेटेड पूरी हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो पूरा देखिए, भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज़ आपको सऊदी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले तो उन देशों की हम बात कर लेते हैं भाई जिनकी फ़्लाइटें सऊदी सरकार ने ओपन करने की घोषणा की है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र, तुर्की, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका, यूएई, दुबई की हम बात कर ले, इथोपिया, जी हाँ, वियतनाम, अफगानिस्तान, लेबनान, जी हाँ, ये जो 12-13 कंट्री हैं भाई, इन देशों की सऊदी सरकार ने घोषणा कर दी है कि भाई इन देशों की फ़्लाइटें हम ओपन करने जा रहे हैं, जी हाँ। लेकिन आगे बात इंपॉर्टेंट कौन सी टॉपिक पर रहेगी भाई, आपको गौर करने की बातें हैं कि ठीक है गवर्नमेंट ने बोल दिया फ़्लाइटें ओपन है, जैसे कुवैत सरकार ने बोला था ना कि फ़्लाइटें हम उन्हें ओपन कर दी, लोग ले भाई दे धड़ादम, इतने वीडियो आपने देखे होंगे, इतने आर्टिकल आपने, इतना वो अथोराइज नहीं है। 22 तारीख से 22 अगस्त से फ़्लाइटें स्टार्ट, फ़्लाइटों की रेड लिस्ट आ गई, आप रेड लिस्ट देख सकते हैं मेरे पास, बोला सर ये देखो दुबई कुवैत की फ़्लाइटों की इतनी इतनी प्राइस आ रही है। भाई मैंने तो प्राइस पे वीडियो डाली नहीं, क्योंकि मुझे तो पता था, क्योंकि जब तक यार गवर्नमेंट अपने मुँह से नहीं बोलेगी तब तक कितने ही वीडियो बनाए जाओ, कितनी सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ बनाए जाओ, क्या होता है, कुछ नहीं होने वाला उनका। 22 अगस्त से फ़्लाइटें, आपको 1000 ऐसे वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे, 22 अगस्त से फ़्लाइटें शुरू कुवैत की, उन्होंने अपनी मर्जी से स्टार्ट कर दी। बाकी हमने ये बोला था कि भाई फ़्लाइट स्टार्ट कब से हो सकती है इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन घोषणा हो चुकी है और वही अभी तक न्यूज़ पेंडिंग चल रही है। आज की भी अगर डेट में यही न्यूज़ है कि भाई कोई सरकार की तरफ से फ़्लाइटें कब स्टार्ट होगी, इसकी कोई अभी तक डेट फाइनल नहीं हुई है, जी हाँ। और यही हम बात करते हैं भाई सऊदी अरबिया के बारे में। सऊदी अरबिया ने मंगलवार को ये घोषणा कर दी इन 13-14 जो भी देश हैं इनके साथ में कि भाई हम फ़्लाइटों का जो रिस्ट्रिक्शन था उसको हटा रहे हैं और फ़्लाइटें ओपन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ना ही तो डेटा जो मैटर है वो बताया है, ना ही उन्होंने ये बताया कि ये वैक्सीन आपको लेके आनी है, नहीं ये आपकी हमारी प्रोसेस रहेगी, ये हमारी फॉर्मेलिटी रहेगी, ये कुछ भी ऐसा नहीं बताया, जी हाँ। हालांकि जो टीके हैं जो वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, उन्होंने अपडेट किए 2 चाइना के टीकों को मान्यता दी है जो हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जी हाँ। एक्सपोर्ट आपको पता है सेकेंड एस्ट्राजेनेका, जिसको इंडिया में कोविशील्ड बोलते हैं, ये आप लगवा के तैयार रहिए। फाइजर इंडिया में अवेलेबल आई नहीं है, लेकिन घोषणा अब कई हो सकता है मिलने भी लग जाएगी, लेकिन ये महंगी है भाई, 2000 के करीब इसका डोज आएगा। जॉनसन एंड जॉनसन की ये भी आप ले सकते हैं, मार्डन, जी हाँ ये भी ले सकते हैं, सिनेफार्म ये भी आप ले सकते हैं, सिनिवेक, ये जो 2 डोज हैं लास्ट वाली ये चाइना की हैं, कल की डेट में इनको मंजूरी मिली है, अलग अलग देशों में इनको मान्यता है, अपने देश में इंडिया में तो ये नहीं है, लेकिन जिन देशों में वो लोग ये जो 6-7 डोज हैं वो लेके दुबई में एंट्री कर सकते हैं, जी हाँ। अब बात कर लेते हैं साथियों की, बात ये है इंपॉर्टेंट कि भाई फ़्लाइटों की घोषणा कर दी सरकार ने, अच्छी बात है, लेकिन फ़्लाइटें हैं कहाँ। हालांकि आपको एक दो दिन में न्यूज़ ऐसी देखने को मिल जाएगी भाई 25 तारीख की फ़्लाइटें स्टार्ट हो गई हैं, फलाने से अब ये मिलना स्टार्ट है, ये देखो टिकट की प्राइस, वो ऑटोमेटिक लोग पता नहीं कहाँ से लेके डाल देते हैं, समझ में नहीं आता। हालांकि फेक न्यूज़ ज़्यादा चलती हैं, थोड़ा ध्यान रखिए, नहीं जरूरत है पता चले कि टिकट के चक्कर में आपने पैसे दे दिए और वो पैसे गए आपके, तो इन चीज़ों की, क्योंकि यार सरकार जब तक ये घोषणा नहीं करती। अब जैसे ओमान की बात कर लेते हैं, 1 सितंबर से फ़्लाइटें स्टार्ट 18 देशों के लिए, तो मैटर क्लियर हो गया ना। अब 1 सितंबर से जिनकी जो योग्यता है जो जा सकते हैं 1 सितंबर से टिकट बुक करके ओमान पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब कुवैत ने बोला फ़्लाइटें स्टार्ट, डेट नहीं दी। दुबई की अगर बात करें 3 अगस्त को घोषणा करी, 5 अगस्त से इंडिया की फ़्लाइटें स्टार्ट, तो 5 अगस्त से लोग जाने लग गए। कुवैत ने बोला फ़्लाइटें स्टार्ट, डेट नहीं दी। सऊदी ने बोला फ़्लाइटें स्टार्ट, डेट नहीं दी।
तो आप किस बेस पे लोग बेवकूफ बना रहे हैं वीडियो बना के 22 अगस्त से कुवैत की फ्लाइट स्टार्ट है, अभी आप देख सकते हैं सऊदी की फलानी डेट से फ्लाइट, वो अपने आप ही अपने तरीके से पता नहीं कैसे न्यूज डेट दे देते हैं लोगों को, और उस डेट को देख के आप उनकी न्यूज देख के वीडियो देख के आप टिकट बुक करवाने एजेंटों के पास चले जाते हैं, और वो ऑनलाइन आपको पता है आप तो मोबाइल में देखोगे तो भी टिकटें दिखा रही हैं। सऊदी की टिकटें जब बंद थी तब भी दिखा रही थी, अभी तो सरकार ने घोषणा कर दी तो वो आराम से दिखाएंगी। अब उसमें पता चले आपसे 40,000 रुपये ले लिए, 35,000, आप सोचो अरे जल्दी बुक कराओ भाई, अपने कोई पता चले अपने को मिले नहीं तो आप बुक करवा दोगे 40,000 में, बाद में पता लगेगा वही टिकट पड़ोस वाला 20,000 में लेके बैठा है, तो नुकसान हो गया ना। तो इतना ही टाइम निकाला है तो भाई थोड़ा टाइम और निकालिए, ये बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में आप टिकटों का पैसा दे कर वो लॉस कर मत करवाना, इन चक्करों में मत जाना। अब देखिए हालांकि दुबई सऊदी सरकार की तरफ से ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है कि भई ये टीके हम मान्यता देंगे, हालांकि जो टीके हैं वो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बता रखे हैं, बाकी उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये टीके लेके हमारे पास आने हैं, ये हम वैक्सीनेशन आपको डोज लेने हैं या फिर बिना डोज के आप आ सकते हैं, या आपको PCR रिपोर्ट कितने घंटे का चाहिए होता है, कौन से ऐप पे तवक्कल ऐप आपको पता है एक सऊदी का है उस पे कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, क्या उनकी कंडीशन होगी, क्वारंटाइन वाला क्या सिस्टम रहेगा, ऐसा कोई अपडेट आया ही नहीं है। हालांकि लोग अपनी तरफ से बना के बता रहे हैं कि ऐसे क्वारंटाइन ये होगा आना होगा, 14 दिन सऊदी में क्वारंटाइन रहना पड़ सकता है, क्योंकि 14 दिन का लोग इसलिए बोलते हैं कि अभी लोग थर्ड कंट्री के द्वारा सऊदी आ रहे थे, आप सबको पता है, जी हाँ, तो उनको फिर 14 देश किसी दूसरे देश में बिता के फिर सऊदी आना होता था। हालांकि इंडियन एम्बेसी ने भी घोषणा की है कि भाई अब आपको थर्ड कंट्री से आने की ज़रूरत नहीं है, अभी देखिए फाइनल हो गई डेट, ये अथोराइज न्यूज़ है कि फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन कब से स्टार्ट हो चुकी हैं डेट नहीं आई है, तो इतना तो लंबा नहीं जाएगा कि 15-20 दिन बाद न्यूज़ आएगी, एक दो दिन में हो सकता है आज आ जाए, कल आ जाए, सुबह आ जाए, एक दो दिन के अंदर न्यूज़ आ जाएगी डेट फाइनल होके भाई उस डेट से फ्लाइट स्टार्ट है, ये उनका नियम रेगुलेशन, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से नियम बनाए गए हैं, ये फॉलो करके आप सऊदी पहुँच सकते हैं, और उसमें भी कौन लोग पहुँचेंगे वो इम्पोर्टेंट रहेगा, जिनके वीज़ा, बहुत सारे लोगों के वीज़ा ऑटोमेटिक रिन्यू हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के वीज़ा रिन्यू नहीं हो रहे हैं, उनको सबसे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जाने वाले वीज़ा हैं वर्क होल्डर वही जाएंगे, फिलहाल की फर्स्ट डोज तो ये मान लो उन्हीं के साथ लगनी है जो लोग कंपनी से घर आके बैठे थे छुट्टियों की वजह से वो फंसे पड़े हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ उनको स्टार्ट उनसे होगी, उसके बाद में आगे क्या क्या अपडेट आता है उसका तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों के वीज़ा रिन्यू हो रहे हैं, 7 वालों के उसी में से वीज़ा रिन्यू नहीं हो रहे, जिनकी वीज़ा रिन्यू नहीं हुए उनका क्या अपडेट आता है, या कौन लोग जा सकते हैं, किस तरह से क्या प्रोसेस होगा, वो 100% सऊदी सरकार दोबारा जो अपडेट देगी ना उसमें आएगी ये बातें, समझ गए बात को, क्योंकि अपडेट एक साथ नहीं आती है कि भाई कल से, अब ओमान है ठीक है उन्होंने स्टार्ट कर दिया भाई ये हमारी कंडीशन है ये डॉक्यूमेंट हैं ये लेके 1 तारीख से पहुंच जाओ, तो सऊदी सरकार को इस सरकार ने ऑप्शन दिया लेकिन अभी ये कंडीशन लागू नहीं करी कि इस तरह से आप हमारे देश में, हाँ अभी जो थर्ड कंट्री से आप जाने वाले हैं भाई वो आप थोड़ा सा वेट करके रुक जाएं, वहीं स्टॉप हो जाएं, ना जाएं 100% 1 सितंबर से तो मुझे लगता है फ्लाइटें स्टार्ट हो जानी है, चाहे कुवैत हो या फिर चाहे ये आपका सऊदी अरबिया हो, जी हाँ, तो ये आप लोगों के लिए अच्छी बात है भाई। सऊदी के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि भाई गल्फ देश में सबसे ज़्यादा UAE के बाद में 25 लाख से ऊपर लोग सऊदी अरबिया में रहते हैं, जी हाँ 15 लाख के करीब लोग कुवैत में रहते हैं, तो थर्ड नंबर कुवैत का आता है, सेकंड नंबर सऊदी अरबिया का आता है, इतने सारे लोग यहाँ पे फंस गए थे सऊदी के इंडिया में आके, बहुत सारे लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो गए उनका, अभी तक बहुत सारे लोगों के तो वीज़ा रिन्यू नहीं हुए यार, जो सरकार ऑटोमेटिक बोला था हम आपका रिन्यू कर देंगे 30 अगस्त तक का टाइम दे रखा था, अभी तक उनका नहीं आया, अब 30 अगस्त के बाद में फ़्लाइट स्टार्ट होती हैं तो वो कौन से लोगों को इजाज़त देगी, या जिनके एक्सपायर हो गए उनका सरकार क्या समाधान करेगी, या फिर बोल दे कि भाई आप रहने तो कौन है, वो तो आगे की बातें हैं क्या प्रोसेस होने वाला हम कह नहीं सकते। तो बस ये अपडेट मेन रीज़न था भाई सऊदी से रिलेटेड आपको देने का, कि आप टिकट एक बार ना बनवाएं जब तक गवर्नमेंट अथोराइजेशन जो न्यूज़ है वो ना आ जाए, आप पैसा दोगे फालतू में चला जाएगा, कुछ बोलते हैं क्या करवा लो, मेन टिके हैं दो वो लगवा के तैयार रहिए, क्योंकि सऊदी अलग कंट्री है, उनकी सोच अलग है, बाकी जो गल्फ देश हैं वो अलग सोच रखते हैं, तो वो 100% वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे आपसे, ये तय बात है, तो आप लगवा के रखिए ताकि आपको परेशानी नहीं हो, और जैसे टिकटें स्टार्ट हो तो उसके 5-10 दिन बाद टिकट बनाइएगा, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि वो टिकटों में डबल फर्क आ जाएगा, जो टिकट पहले बनाओगे वो मान लो 40,000 की आ रही है तो उसके 10-15 दिन बाद वो टिकट 20,000 में हो जाएगी, ये तय बात है, तो इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है आपको, बस ये अपडेट देना था। आज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।